प्यारे विद्यार्थियों, थोड़े सारिया का अज के इस लैक्चर के स्वागत है। अज आप प्लस वन क्लास का जो नाइनथ चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 9.3 है वह कर जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के आप जोमैट्रिक प्रोग्रेशन बारे सीखा। आप इस तो पहले अरिथमैटिक प्रोग्रेशन एपी बारे उन्होंने एंथ टर्म फाइंड करनी है, सम फाइंड करने, अरिथमैटिक मीन बारे पढ़ चुके हैं। जोमैट्रिक प्रोग्रेशन की बच्चे डेफिनेशन मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अपने को एक सीक्वेंस गिवन है, सब तो पहले आप चैक करते हैं ये जोड़ा सीक्वेंस है ये एपी है कि नहीं है। जो आप इन्होंने डिफरेंस देखिए दो नाल वध के आई है अगली रकम, यह चार नाल, यह अठ नाल, यह सोलह नाल, मतलब जोड़ा साझा अंतर है वो सेम नहीं आ रहा। इट मीन ये एपी का नहीं हैगी, ठीक है। ये अपने को अरिथमैटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। हुण तुसीं इन्हां दे विच रिलेशन किवें फाइंड करते पे हो, ठीक है। दो दुनी चार, चार दुनी अठ, अठ दुनी सोलह, जिहड़ा डिफरेंस है, ठीक है, वह दुगुना हुंदा पिया। जां दूजे शब्दां दे विच आपां गल करिए, चार नूं दो ते भाग करिए, दो अठ नूं चार ते भाग करिए, ठीक है, एट डिवाइड बाय फोर, ये भी अपने कोल कितना आ गया, टू आ जाऊगा, सिक्सटीन डिवाइड बाय एट, ये भी कितना आ जाऊगा, अपने कोल टू आ जाऊगा, 32 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 16 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਅਗਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਰਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਥਰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਨੂੰ ਥਰਡ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਟੂ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਰਕਮ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਦੋ 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਿਆ ਦੋ ਨਾਲ, ਅੱਠ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਿਆ ਚਾਰ ਨਾਲ, ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਠ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੀ ਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਟਰਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਥਰੂ ਆਊਟ सीक्वेंस रेशो सेम रवे, ठीक है, तो उस सीक्वेंस नूं आपां जोमैट्रिक प्रोग्रेशन कह दिंदे आ। सो उस नैक्सट इस तो बाद आपां इहदे जिहड़े फॉर्मूले उहनां वल चलदे आ, जिवें आपां एपी दे विच एंथ टर्म फाइंड करन दा ते उहनां दा सम फाइंड करन दे फॉर्मूले सिखे आ, एवें जोमैट्रिक प्रोग्रेशन दे विच उहनां दीआं टर्म्स फाइंड करन दे ते सम फाइंड करन दे फॉर्मूले आ। मन लो अपने कोले जिहड़ी फस्ट टर्म है जी पी दी वो हैगी है ए, तो कोमन रेशो जी बच्चे आप टू डिफाइन की है पिछे वो कोमन रेशो बोलते हैं, कोमन रेशो हैगी है आर, ठीक है, जी आप पिछे सीक्वेंस की गल करके आए हैं, ठीक है। इतने जी अपने को हरेक केस जी वैल्यू आई सी टू सेम रेशो लैन तो बाद बच्चे आर बोलते हैं, ठीक है। आर का मतलब इतने कोमन रेशो होगा, साझा अनुपात कह लो जिन्हों, ठीक है जी। हम जो अपने को बच्चे फस्ट टर्म जी पी दी ए है तो कोमन रेशो आर है, ठीक है। जो कोमन रेशो आर है आपको पता है जिहड़ियां जिहड़ी कोमन रेशो होंदी है उनके नाल मल्टीप्लाई करन दे अगली रकम आई जाती है, ठीक है। जिहड़ी आर होंदी है जे दो नूं दो आर नाल मल्टीप्लाई करिए चार, फिर चार दूनी अठ, अठ दूनी सोलह, ठीक है। सो हुण ए है ये फस्ट टर्म होगी, ठीक है जी। अगली टर्म की आजूगी ए नू आर नाल मल्टीप्लाई करके ए आर, ठीक है। उस अगली टर्म की आजूगी इस टर्म इनू आप आर नाल मल्टीप्लाई कर दिए, इनू आर नाल मल्टीप्लाई कर दिए, इस टर्म नू आर नाल मल्टीप्लाई किया आर स्केयर, इनू आर नाल मल्टीप्लाई कर दिए। सो कहने का मतलब पहली रकम आ, दूजी आ, तीजी आ, चौथी आ, पावर जे तीसरी रकम की गल हुंदी भी है, पहली रकम की बनती भी है ए, दूसरी रकम की बनती भी है ए आर, तीसरी रकम की बनती भी है ए आर स्केयर। कहने का मतलब जिहड़ी पैर च वैल्यू है उस तो एक पावर घट आ रही है, जिते आप फोर की गल करिए इतने थ्री आ रहा है। सो इस तरह जो आप चलते जाइए जो एंथ टर्म की गल होगी उदों पावर है जिहड़ी जिहड़ी पैर च वैल्यू हुई उहदे तो एक घट होनी है, ठीक है। इतने एन है, एन दे विचों एक घटाया एन माइनस वन, सो एंथ टर्म का फॉर्मूला की बनिया फिर अपने को ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन, ये तो बच्चे एंथ टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। नैक्सट है
इनका जोड़ पता करन दा, जे आपां नूं कोई जीपी गिवन है उनदियां जिहड़ियां टर्म्स है उन्हां दा सम पुछ लिया भी की होगा फाइन फॉर फाइनाइट टर्म्स। ठीक है, ठीक है, एक ही है फॉर फाइनाइट, ये जिहड़ा जोड़ है फॉर फाइनाइट टर्म्स वास्ते है एस एन। ये बच्चों ये डिपेंड करता आर ते, जे तो आर अपने को एक या एक तो वड्डी है तो फॉर्मूला डिफरेंट आऊगा, जे आर लैस दैन वन है तो फॉर्मूला आप डिफरेंट लवेंगे। ए आर एन माइनस वन इफ आर इज ग्रेटर दैन वन, जे आर की है एक तो वड्डी होगी। नैक्सट वन माइनस आर इफ आर इज लैस दैन वन। जी बच्चों जे अपने को आर वन आ गई, मतलब फॉर एग्जाम्पल आर वन है, इन्हें आर वन फिल कर लो इस ए पी ए वन वन दस के एंड सो ऑन ए आर दी एन माइनस वन होंगी अपने को इतने भी वन ही लिख लिए, मतलब ए ए सो ऑन ए एन टाइम्स इनका जो जोड़ है फिर अपने को ए प्लस सो ऑन प्लस ए एन टाइम्स एन वारी ए साझा कर लो ए एन टाइम्स एक एन वारी जोड़ांगे तो की आजूगा एन। सो इस केस के जो एस एन किन्ना आजूगा अपने को एन ए आजूगा। ठीक है जी, सो आ केसिस है आर इक्वल टू वन वास्ते हो गया बच्चे, आर ग्रेटर दैन वन वास्ते हो गया, आर लैस दैन वन वास्ते हो गया। हाँ जी, नैक्सट है बच्चे अपने को जोमैट्रिक मीन। जोमैट्रिक मीन बच्चे जिम्मे आप अरिथमैटिक मीन कढ़ना सीखा सीगा, दो नंबरस दे विच है जिहड़ा अरिथमैटिक मीन की हुंदा सी ए प्लस बी ओवर टू, वह दो नंबर आप सम कर दिए उन्होंने टू ना डिवाइड कर दिए जी एम बिटवीन ए एंड बी। ए की होगा बचे इन्हें ए तो बी की प्रोडक्ट दे उन्हें उपर स्केयर रूट फाइंड कर लीए। फॉर एग्जाम्पल अपने को टू तो एट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप जी एम इंसर्ट करना, जी एम फाइंड करना इन्हों का, वह की होगा टू इंटू एट सिक्सटीन आ गया, फोर कहना मतलब टू टू फोर एट ए की फॉर्म करे जी पी, तुम चेक भी कर सकते हो। सो इस तरह बच्चों आप बड़े जोड़े जोमैट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं, जिमें टू फोर एट है इन्ह दोवे विचकार की आजूगा, फिर इन दोवों की मल्टीप्लीकेशन के उपर स्केयर इन दोवों के विचकार आ फोर एज एज इट इज 32। सो सिमिलरली सो ऑन आप जोड़े की है बहुत सारे जोड़े अरिथमैटिक मीन है वह फॉर्म कर सकते हैं, जोमैट्रिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं किसी दो नंबर के विचकार। ठीक है जी, सो सो ऑन इस तरह ही प्रोसैस चलना जाऊगा। हुण गल आ गई इन्हां दे रिलेशन की। ठीक है, जोमैट्रिक मीन तो अपने को जो अरिथमैटिक मीन है इन्हां दे रिलेशन की, इन रिलेशन की होंगी बिटवीन जी एम एंड ए एम। बच्चे जी एम जिमें कि आप हमने सीखा ही है दो नंबरस का जी एम की है, ए भी अरिथमैटिक मीन की है ए प्लस बी ओवर टू, आप जो इन डिनोट कर लिए जी ना, इनू कर लिए आप ए ना। ठीक है जी, सो ए माइनस जी है तुहाडे कोले इन्दे इक्वल आऊगी, इन्हों का डिफरेंस ले लिया टू। ठीक है जी, इनू आप किवें लिख सकते हैं ए स्केयर रूट के उपर स्केयर पाके कैंसल हो गए वापस ए ही आ जानी है। ठीक है जी, सो ए फॉर्मूला बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी का। अपॉन टू स्केयर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो,
ठीक है जो स्केयर होंगे हमेशा कितना निकल सी उन्होंने टू भी पॉजिटिव है तो यह वैल्यू जी ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो आजूगी इनका मतलब की होया जी उधर जाके प्लस आ जूगा जो अरिथमैटिक मीन होंगे वह ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जोमैट्रिक मीन होंगे ये याद रखना ठीक है जी। सो रिलेशनशिप अपना जो कि ड्राइव किया अरिथमैटिक मीन तो जोमैट्रिक मीन के नैक्सट आप हम क्वेश्चन स्टार्ट कर जा रहे हैं क्वेश्चन से चलते हैं थोड़ी एक्सरसाइज 9.3 द बहुत ईजी सम है बच्चे जोड़े आप फॉर्मूले किए हैं एंथ टर्म को फाइंड करने वाला तो सम फाइंड करने वाले वो फॉर्मूले जोड़े इन अपलाई होने हैं। सब तो पहला की है फाइंड 20th टर्म फाइंड ए 20 एंड एंथ टर्म एंथ टर्म का मतलब बच्चे ए एन अपन जी पी जी गिवन है 5/2, 5/4 आ अपने को जी पी गिवन है। सब तो पहला आप जो भी अपन कोई जी पी गिवन हुई उनकी एंथ टर्म ज सम टू एंड एंथ टर्म फाइंड करना होया तो आप सब तो पहला उनकी फर्स्ट टर्म तो कॉमन रेशो है जी फाइंड करा वो तो मैं दस ही चुका फर्स्ट टर्म तो आप जिम्मे ए पी के भी सीखा पहली रकम आह आ गई कॉमन रेशो किमें कढ़ सकते हैं जी दूसरी टर्म है उन्होंने तुम पहली नाल डिवाइड कर लो ये अपन जी पी ऑलरेडी गिवन है सो रेशो थ्रू आउट सीक्वेंस सेम रहेगी वो अपन चैक करने की लड़ नहीं जो तो स्टेटमेंट के जी पी गिवन हो अपन चैक करने की लड़ नहीं भी वो भी उनकी जी रेशो है थ्रू आउट सेम है कि नहीं सेम सो वो अंडरस्टूड ही है भी वो सेम ही होगी। सो 5/4 आप डिवाइड किया 5/2 ये तो बच्चों की आए 2/5 5 कैंसल ये तो कितनी वैल्यू आ गई आर की वैल्यू आ गई 1/2 हूँ आपको फाइंड करने को क्या ए 20 तो एंथ टर्म सब तो पहला मैं एंथ टर्म फाइंड कर ला बच्चे फॉर्मूला ध्यान ना आप हमने करके आए हैं एंथ टर्म फाइंड करने का जी पी का ए पी मिक्स नहीं कर देनी गी ए पी वाला नहीं फॉर्मूला ला देना आप जोमैट्रिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं ये डिफरेंट आदि ना ए की वैल्यू 5/2 आर की वैल्यू 1/2 टेस्ट बार एन माइनस 1 सो बच्चे एक तो आंसर जो इतने छड़ना इतने भी छड़ सकते हो जो अगर सिंपलीफाई करना है इनू 5 × 1/2 लिख लीए बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी कैंसल आउट हो गई आ वैल्यू आ गई ए एन की हूँ आप इतों ए एन कैलकुलेट कर दी आप ए एन अपने को आ गई 5 × हूँ आप ए 20 फाइंड कर गया सो ये अपना आंसर आ गया 1/20 = 20, 2/20 इनू एज इट इज छड़ दो आंसर आ गया ठीक है जी। सो ये फस्ट क्वेश्चन से बहुत ईजी सी बाकी क्वेश्चन भी एवं करने अगर नैक्सट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सैकेंड पर चलते हैं क्वेश्चन सैकेंड की अपने को फाइंड द 12th टर्म आप जी 12वीं रकम पता करनी है जी पी की हूज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशो इज 2 कहते ए 12 फाइंड करो ए 12 का बच्चे मतलब की होगा ए आर 12 के एक कटाए फॉर्मूला ठीक है जी। सो ये जी पी के फॉर्मूले यूज होने इतने हम सारे ए पी वाले भुल जाने ए पी वाले मिक्स नहीं करने आप ए अपन आर अपन गिवन है सो ए चाहिए है ए कैलकुलेट करिए ए एट अपन कि दी है 192 जिमें आप जी ए पी के सवाल किए सेम उ सवाल है फर्क फॉर्मूले का पै जाना मैथड कर सेम है बच्चे ठीक है इतने ए एट का हम आ फॉर्मूला लगेगा ए ए आर दी 7 आ जूगी जिनी पैर च वैल्यू होंगी उन्नी एक घट जाती है 192 आ गया ए की वैल्यू फिल करो आर की वैल्यू फिल करो आर की वैल्यू कि 2 हूँ 2/7 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16, 16 = 32 2/5 = 32 आ गई 2/6 = 64 आ जूगी 2/7 = 128 आ जूगी कैंसल कर दो बढ़ के 9 × 18 6 6 4
48 आ गया, 32 आ गया, 24 आ गया, 16 आ गया, 12 आ गया, 8 आ गया, फिर 4 दे बाड़े दे कर दो, 4 की 12, 4 दूनी 8, एदी वेली ता डिगर किन्नी आ गई, 3 by 2 है जड़ी, ओ आ गई, ठीक है जी, A भी फाइंड कर ली, R अपन गिवन सी, अपां A12 फाइंड करनी है, A दी वैल्यू 3 by 2 into, R दी वैल्यू 2 दी पावर 11, ठीक है जी, हुण अपने कोले ए ओवर डिवीजन दे विच आ, पावर एक घट जानी ऊपर डिवीजन है अपन नु पता है फार्मूला 8 दे विच आपा कीता है डिवीजन होवे बेस सेम होवे पावर माइनस हो जांदियां सो ए तोड़ा आंसर आ गया ए क्वेश्चन सेकंड है जेड़ा आपा इस तरह सॉल्व करना सी नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलदे हां क्वेश्चन थर्ड ते थर्ड क्वेश्चन द फिफ्थ एट्थ एंड इलेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपीआर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इनटू एस ठीक है जी आप ये प्रूव करना अब लेफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग सॉल्व कर लेने सब तो पहला इनका मतलब कि बच्चे फॉर्मूला ला दो वही ठीक है एन की वैल्यू 5 इतने फिल कर दो ये की आ जाऊगी ए आर 5 माइनस 1 4 इतने भी ए आर 8 माइनस 1 7 ए आर 11 माइनस 1 10 क्लियर है जी हुण लेफ्ट हैंड साइड क्यू दी वैल्यू किन्नी है ए आर 7 ऊपर स्क्वायर होंगे ए का स्क्वायर अलग हो जाना बच्चे आर रेज टू पावर 7 का स्क्वायर अलग हो जाना ये 14 आ गया ठीक है जी इधर राइट हैंड साइड अलग तो सॉल्व कर लिए पी इंटू एस पी की वैल्यू किन्नी है तुहाडे कोले ए आर रेज टू पावर 4 एस वैल्यू ऑफ एस इज ए 10 ए इंटू ए ए स्क्वायर बेस सेम है पावर ऐड हो जानी है सो तुसी की देखोगे दोनों वैल्यूज की आ गई सेम आ गई सो लेफ्ट हैंड साइड किंदे इक्वल आ गई राइट हैंड साइड दे यही आपां प्रूव करना सी तुहाडा क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिहड़ा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ ते चलदे हां क्वेश्चन नंबर फोर की है द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी ए फोर मतलब इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म कहिंदा एक जीपी दी जिहड़ी फोर्थ टर्म है ठीक है वह इस इसे जीपी दी जिहड़ी दूसरी रकम है दूसरा पद है उनका वर्ग है उनका स्क्वायर एंड द फर्स्ट टर्म इज माइनस थ्री जिहड़ा पहली रकम दित्ती है पहला पद दित्ता है वह माइनस थ्री नैट टर्म है इट्स सैवंथ टर्म फाइंड ए सैवन आपां नूं ए सैवन है जिहड़ा वह फाइंड करन नूं कहा सो सब तो पहला चलो फॉर्मूला अपलाई करिए एंथ टर्म का इतने ए फोर की वैल्यू अपने को आ जानी है ए आर की 3 ठीक है जी इतने ए आर 1 क्योंकि 2 है फॉर्मूला भी इतने एन के एक बार मैं 4 भरया 3 आजगा 4 माइनस 1 2 भर 2 माइनस 1 1 आजगा ए गिवन है माइनस 3 चलो पहले इन्हें थोड़ा सिंपलीफाई कर लीए ए का स्केयर अलग हो गया ए स्केयर आ गया आ कैंसल हो जानी है एक टर्म ये तो ए आर स्केयर आ गई ठीक है हुण इधर आ कैंसल 1 ए की वैल्यू किन्नी आ जानी है आर आ जानी है ए अपने को माइनस 3 है आर भी किन्नी आ जानी है तुहाडे कोले माइनस 3 ए 7 फाइंड करन नूं क्या ए आर दी 6 ए दी वैल्यू माइनस 3 आर दी भी वैल्यू माइनस 3 बेस सेम है पावर ऐड हो जानी है सो आंसर आ गया हुण इन आपां इंज लिखना होवे तां इंज भी लिख सकते हैं क्योंकि जे अंदर डायरेक्ट अंदर नैगेटिव होवे उत्ते ओड पावर होवे तां माइनस लगदा हुंदा जे इवन पावर होवे तां उह प्लस ही आ जांदा हुंदा अगे सो क्वेश्चन नंबर 4 सीगा ठीक है हुण अगे क्वेश्चन नंबर 5th दे 3 पार्ट है बच्चो मैं एक क्वेश्चन करवा देना बाकी अदर 2 विल बी अ होमवर्क
हाँ जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए पार्ट है वह करवा जा रहा मैं। इन दे विच की है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज क्वेश्चन की है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस टू टू रूट टू फोर इज 128 एट इन्हें टेंथ चीज क्वेश्चन किए हैं बट वो ए पी वाले से क्या भी केड़ा पद इस सीक्वेंस का 128 होगा ठीक है भी जी 128 है वह कि नंबर से जाके आऊगी वह भीवें पद होगा वह पच्चीवें होगा वह तीवें होगा वह कि पद होगा किनवे नंबर से जाके आऊगा वह दसना मतलब आप मतलब ये 128 इतने कि पाया पर आप नहीं पता यह कि नंबर पर पाया कहने का मतलब तू एन 128 गिवन ए है जी टू है आर दूसरी रकम पहली नाल भाग करके कढ़ लो सो आर की वैल्यू रूट टू आ गई इतने फॉर्मूला ला लो ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस वन ए की वैल्यू तुम कि गिवन है टू गिवन है आर की वैल्यू कि रूट टू है हुण ए दो दी पावर एक है वर्गमूल दो दा मतलब की होंगे दो दी पावर एक बटा दो सो ये इनू आप लिख सकते हैं इनकी पावर जी एक बटा दो है वह एन माइनस वन ओवर टू जाएगी इनू मैं थोड़ा जहा सिंपलीफाई तो करके दसदा जे किसी को ना पता लगा हो इनू इंज लिख सकते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएगी दोवें ये इस तरह बचे ये सारे ओवर के आ जाए क्योंकि आप पिछले भी फॉर्मूला किया एक्स इज पर एम की पावर एन उदों में एम तो एन मल्टीप्लाई हो जाएगा होंगे इक्वल्स टू 128 बे सेम है पावर एड हो जाए हम आप एडिशन कर लिए इन्हें टू आ गया टू वन द टू ठीक है जी उस तो बाद टू एन एन अगे रख लीए टू माइनस वन प्लस दे वन आ जाने ओवर टू 128 आप हमने करके आए थे दो की पावर 5 32 हों दो की पावर 6 164 हों दो की पावर 7 है जोड़ा वह 128 हों बे सेम है पावर इक्वल हो जाएगियाँ ये मल्टीप्लाई हो गया इन सत्तू गुणी 14 आ प्लस दे एक उधर जाके की हो जाएंगे माइनस है सो एन कि आ गई थोड़ी 13 आ गई ये क्वेश्चन आप इस तरह सोल्व करना सी इस एन फाइंड करनी सी वो आप फाइंड कर ली जो होमवर्क है थोड़ा बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का सैकेंड तो थर्ड पार्ट ये ट्राई कर लेने सेम इन नाल ही है नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा एग्जाम्पल जी हुई हैं नाल दी कर लेनी है तुम क्वेश्चन नंबर 6 की है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स नंबर्स माइनस 2/7 एक्स ते माइनस 7/2 आर इन जी पी कहिंदा एक्स दे किहड़े मुल्लां वास्ते ये जिहड़ा सीक्वेंस है वह जी पी फॉर्म करूंगा जमैट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करूंगा हुण जे बच्चे जी पी है तो आपां नूं पता है ए वन ए टू ए थ्री जे ये तीन रकम जी पी दे विच होण तां ए टू नूं आपां ए वन नाल डिवाइड कर लीए जिहड़ी वैल्यू आउंदी है ते जिहड़ी वैल्यू ए थ्री नूं ए टू नाल डिवाइड कर लीए वह वैल्यू आऊगी वह की आउंदी है सेम ही आउंदी है जी मैं एग्जाम्पल दे के भी दस देना आपणे कोल जी पी है चार नूं दो नाल भाग करके जिन्नी रकम आऊगी उन्नी रकम ही 8 नूं 4 नाल भाग करके आउंदी हुंदी है इस करके जदों कोई सीक्वेंस जी पी फॉर्म करता होवे उहदी सैकेंड टर्म नूं फर्स्ट टर्म नाल डिवाइड कर लो ते थर्ड टर्म नूं सैकेंड टर्म नाल डिवाइड कर लो तो जिहड़ी रेशो आउंदी है वह इक्वल ही हुंदी है सो इस ते थर्ड थ्री टर्म्स गिवन सी आपां नूं इत्थे हुण इहनूं आपां ए वन मान लईए इहनूं आपां ए टू मान लईए इहनूं आपां ए थ्री मान लईए ए टू की वैल्यू कितनी है एक्स ए वन की वैल्यू कितनी है माइनस 2/7 ए थ्री की वैल्यू कितनी है माइनस 7/2 ए टू की वैल्यू कितनी है एक्स हुण इहनूं सिंपलीफाई कर लईए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर
माइनस सैवन बाय टू इंटू, ठीक है जी, आ कैंसल आउट हो गया, इधर आ कैंसल हो गया, अब वन ही आ जूगा, ठीक है, इधर आके वन माइनस आ गया, वन का स्केयर बल है ए माइनस बी, तो ए प्लस बी फॉर्मूला, इधर एक्स माइनस वन इज जीरो और एक्स प्लस वन इज जीरो, इतों एक्स एक वन आ गई, एक एक्स की वैल्यू किन्नी आ गई माइनस वन, यही आप फाइंड करना सी, चाहे तुम एक्स वन ले लो तो चाहे माइनस वन ले लो, दोनों केसिस के विच जी पी फॉर्म होगी। सो क्वेश्चन नंबर सैवन से अगे क्वेश्चन नंबर एट, सैवन एट नाइन टेन ये लगभग सेम इको जी नाल दे आ, सो मैं इन दे नाल दे एक दो क्वेश्चन विच दो को करवाऊंगा, दो तुहाडे लई होमवर्क होणगे। अगे नैक्सट क्वेश्चन सैवन ते चलते हैं, सेवंथ क्वेश्चन की है बच्चों, पॉइंट वन फाइव, इन आप करना है फाइंड द सम टू इंडिकेटर नंबर ऑफ इंटर, हाँ फाइंड सम, ठीक है, आप जोड़ पता करना है इन जी पीज का, जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव ए 20 टर्म्स का आप जो कि है इनका सम है वह फाइंड करना, मतलब फिर एन इज 20, 20 टर्म का मतलब की है भी रकम का आप जो जोड़ जोड़ है पता करना। सो पॉइंट 15 बच्चे ध्यान देखना, इस इनकी ए किन्नी है पॉइंट 15, ठीक है, इनकी आर किन्नी आऊगी, सिंपलीफाई करिए, ये 15 बटा हजार इंटू ए 15 इन बटा 100 होना, वो कैंसल हो गया, 0.1 कह लो, 1/10 बनना सी, ठीक है, वो 0.1 हो गया, ये 20 टर्म्स का जो आप जोड़ है वह पता करना है, पहला तो 15 कॉमन होता पे, जहाँ आप 15 बटा 100 लिख लीए, इनू 15 बटा हजार लिख लीए, इनू 15 बटा 10,000 ले लिए, सो ऑन अप टू 20 टर्म्स, 150 कॉमन कटिए, सो फिर होगी अप टू, हम देखो ए हम बच्चे जीपी मारनी है, इन्दे विच ए कितनी आउंदी पई अपने कोले, आर किन्नी आ रही है, आ कैंसल, 1/10 कह लो जां 0.1 कह लो, इको ही गल है। नैक्सट अगे हुण फॉर्मूला अप्लाई करिए, आर इस केस दे विच अपने कोले लैस दैन 1 है, हुण सम दा फॉर्मूला आपां एक बार मैं फिर इत्थे बोर्ड ते लिखण लगा, एस एन जी पी दी एन टर्म्स दा जिहड़ा फॉर्मूला फाइंड करन दा की हुंदा है, ए आर दी पावर एन माइनस 1 इफ आर इज ग्रेटर दैन 1 अपॉन आर माइनस 1 ए 1 माइनस आर इज टू पावर एन 1 माइनस आर इफ आर इज लैस दैन 1, इतने आर हम एक तो की आ रही है छोटी आ रही है, डेसीमल कन्वर्ट करके वेख ही सकते हैं ये छोटी है एक तो, सो अपने को फॉर्मूला यूज होना, यह फॉर्मूला यूज होना, इतने वैल्यूज फिल करिए, ए कि अपने को एक तो 15 बार है सारे दे, ए कि अपने को 1/100 वन माइनस आर, आर कि आई अपने को 1/10 की पावर 20 क्योंकि एन कि इतने 20 अपॉन 1/1/10 इन्हें सिंपलीफाई करिए 15 बार, ठीक है, 1/100 ये अपने को सिंपलीफाई हो गया 9/10 आ जूगा, ये सिंपलीफाई हो गया अपने को 9/10 आ जूगा, 1 के विचों 1 ओवर 10 सबट्रैक्ट करांगे तो आह कैंसल आउट हो गई टर्म्स, की बच गया तुहाडे कोल 15 10 इंटू 9 90 1 माइनस 1/20 1/10 रेस्ट बाय 20 हुण ए 15 6 दा 90, ठीक है, 1590 होंदा, इनका आंसर बच्चे 1/6 1/10 रेज़्ड बाय 20, जहाँ इन्हें डेसीमल लिखना होया
तो उमें भी लिख सकते हो कि थोड़ा क्वेश्चन नंबर सैवन है जोड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर एट नाइन तो टैन सेम इन नाल ट्राई कर लेने अजले इन्ना ही। सो ये कंप्लीट कर लिए सारे, थोड़े सारे का बहुत बहुत धन्यवाद।